Yes, sir. Good morning to all of you. Yes. Yes, Vivek, RD Educate, good morning and welcome back to my YouTube channel Gyan Charcha with Yash Sir. आप सबका एक बार फिर से जो है वो स्वागत है और first of all I will request कि हमारा जो वीडियो है उसको ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और हमारा जो वीडियो है उसको देख सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कल जो पेपर हुआ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE 2020 का, उसमें जो इकोनॉमी और जो करंट अफेयर का जो पार्ट है उसको लेकर आज हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पैटर्न क्या रहा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमें 2021 या 2022 के लिए यदि हमें तैयारी करनी है तो वो हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है, उसके लिए ये चीज़ हमें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन कल इकोनॉमी सेक्शन से आए हैं या करंट अफेयर पार्ट से आए हैं वो सब लेकर मैं आज जो है डिटेल में जो है मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप जितने भी बच्चे हैं उनको आगे के लिए जो भी उनको जो है जो भी उनके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो सके और वो जो है अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर सके। और आज हम इसी के लिए सतीश स्मार्ट, गुड मॉर्निंग, आई थिंक योर पेपर वाज गुड। यस, कैसे रहा आपका कल पेपर? या जिन बच्चों का पेपर था पहले तो मुझे बताइए कि आप लोगों का पेपर कैसा रहा। यस, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन से उसमें क्या आंसर्स बनेंगे, उस वक्त भी आप डिस्कस करेंगे, देखेंगे आज खत्म हो पाया तो आज नहीं तो कल हम जो है पूरा इसमें कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर क्वेश्चन पेपर मैंने आप सबको भेज दिया था, मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था, ग्रुप में भी डाल दिया था। यस, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेपर था उसकी एक खासियत थी, UPSC की एक खासियत रही है कि वो पूरा कंसेप्चुअल पेपर निकालती है और अगर आपने डिटेल में कोई चीज़ स्टडी करी हुई है तभी आप उसको क्लियर कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने बच्चों को बहुत क्लियरली बताया था कि जो पेपर आएगा वो मार्च तक का आएगा। मार्च बेशक पेपर पोस्टपोन हो गया था लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे अप्रैल, मई, जून या कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया था, ठीक। दूसरी चीज़, अगर आपने पिछले एक साल का न्यूज़पेपर आपने लगातार पढ़ा होगा तो अगर आप डिटेल में जाके एक ही चीज़ पढ़ी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे रेगुलरली तो आप ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस के आंसर आराम से कर सकते हैं। दूसरा, मैंने बच्चों को बताया था कि इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा आएंगे प्लस, और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि चूँकि हमारा जो बजट आया था, बजट में हमारी जो वित्त मंत्री थी उन्होंने पाषाण काल इन सब से जो थे वो पार्ट्स उठाए थे, इसलिए मैंने उनको कहा था कि इस बार एंशियंट हिस्ट्री आने के चांसेस ज्यादा हैं। यस यस, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टडीज। यस, गुड मॉर्निंग अश्विना, गुड मॉर्निंग। सो आज हम यही स्ट्रेटेजी बनाएंगे। देखिए बस, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि दूसरी सबसे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, यानी कि डीप स्टडी कितनी आवश्यक है, स्टैटिक पार्ट कितना आवश्यक है। एक्चुअली बच्चे कहते हैं सर आपसे क्वेश्चन करवा दिया कीजिए, हम बाकी हम देख लेंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, जब तक आप थियोरेटिकल पार्ट को पूरा ना करें तब तक आपके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो कहते हैं सर हमें हिंदू नहीं पढ़ना, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा अगर आपने कल का पेपर पूरा एनालाइज किया हो तो उसमें जो बच्चे लगातार एक साल तक हिंदू पढ़ते रहे होंगे उनके क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सारे टॉपिक्स उनको क्लियरली मिले होंगे। पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था, पहली चीज याद रखिएगा, पेपर एक बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था,
ठीक मॉडरेट पेपर था, बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं था। बच्चा आराम से 55 से 60 नंबर स्कोर कर सकता है जो पासिंग मार्क है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आप पढ़ते रहते हैं तो, ठीक है ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट। चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन आंसर राउंड से। मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन, यहाँ पे पार्ट जो सी सेक्शन था, सेट सी था, उसमें मैंने क्वेश्चन सारे सारे लिए हैं क्योंकि नेट पर जो अवेलेबल था वो सेट सी अवेलेबल था। यस, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, और उसको सबसे बड़ी एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो लॉजिकल क्वेश्चन दिखेंगे आपको, यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप अपना मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करें तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। कृषि में शून्य जुताई के क्या क्या लाभ है। नंबर एक, सोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिडुअल ऑफ प्रीवियस क्रॉप, यानी कि पिछली फसल के बचे हुए 59 किए हैं आपने। यस, 59 तो ठीक है, देखिए अगर देखा यह है कि उसमें गलत कितने हैं, अगर उसमें दो तीन आपके गलत है देन यू शुड गो फॉर द मेन, ठीक है ना। ये मान के चलिए जो एवरेज रहेगा वही 50-100 के आसपास रहेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके 50 के आसपास क्वेश्चन ठीक है देन योर एग्जाम इज क्लियर, प्री इज क्लियर, ठीक है ना। मार्क्स 50-51 के आसपास क्वेश्चन अगर ठीक है आपके, यस यस, आई एम डिस्कसिंग अबाउट यस्टरडेज पेपर ओनली, यस, ठीक है ना। देखिए पहला, देखिए बहुत चर्चा में रहा यही चीज, क्योंकि अभी बहुत से राज्यों में खासकर पंजाब हरियाणा दिल्ली के आसपास के एरियो में जो था वो जो फसलों को जलाने का कार्य था बच्चे का, वो काफी ज्यादा रहा। और इसके ऊपर देखिए सबसे पहले टिलेज एग्रीकल्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि इसमें पुरानी फसलों को काटने के बजाय नई फसलों को जो है उगाया जा सकता है, पहली चीज। नंबर टू, विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी टू राइज सैपलिंग, सिंपल, देखो ये भी सही चीज है। और तीसरा, ये जो शून्य जुताई है ये मिट्टी में कार्बन का जमाव जो है वो संभव कर देता है, यानी कि कार्बन सिक्वेशन सॉइल इज पॉसिबल। तो ये जो चीजें हैं ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो क्लियर है, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इसमें आंसर भी दे दिया है, मैं इसको जो है मैं आज सर बिल्कुल सही किया है, स्टडी बिल्कुल सही करना, यही करना है, बिल्कुल जो सही है वही करने हैं, बिल्कुल ठीक है ना। आई विल पुट दिस इन अ पीडीएफ आल्सो, सो दैट इज अ जीरो टेंट। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, उसमें ज्यादा बच्चे क्वेश्चन को गलत कराए। इस बार पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। कृषि में सार्वजनिक निवेश किसे माना जाता है। सार्वजनिक निवेश का मतलब होता है कि जहां पर सरकार जो है वो पैसा खर्च करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक, सी पहला जो है फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सिंपल सी बात है, सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो गया अपने आप ही। ठीक, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर, सरकार ने क्या किया अभी जितने प्राथमिक कृषि खाद्यान्न होते हैं वो कंप्यूटराइज कर दिया है ताकि उनके जो प्राइसेस हैं वो हर जगह पर दिखाई जा सके। ये मैंने अभी कुछ ना पहले आपको बताया था कि जो ई नाम है, ई नाम इसी पर्पस से लाया गया था कि आपको हर जगह के प्राइसेस जो है वो दिखाए जा सके। ठीक है, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट जो करती है भारत सरकार जो करती है। तीसरा, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और दूसरा, सरकार ने मान लीजिए किसानों को फ्री बिजली दिया तो ये क्या है, ये प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यदि किसानों को अगर बिजली फ्री दी जाएगी तो इससे क्या होगा, किसानों की जो उपज है उसको बढ़ने में आसानी हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो ए पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद सरकार ने क्या किया, किसानों के जो ऋण थे उन्हें माफ कर दिया, किसानों के ऋणों को माफ करना क्या है, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, सिंपल सी बात है। यानी कि सरकार ने यहां पर पब्लिक के लिए क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। एंड देन सेटिंग अप द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार
एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कुछ भी विकास के कार्य करती है वो सब के सब क्या है, वो सब के सब हमारे सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें भी डी जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्योंकि बैंकों के एनपीएल तेजी से बढ़े और इसलिए यह बहुत चर्चा में भी रहा, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए फर्म इन इंडिया। भारत में ब्याज कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि वर्तमान में यदि किसी कंपनी को लोन दिया जाए तो क्या वो कंपनी अपना जो लोन है और उसका जो इंटरेस्ट है क्या उसको चुकाने में काबिल होगी या नहीं होगी वर्तमान में। याद रखिएगा, बैंक कभी भी फ्यूचर को देखकर काम नहीं करता है, यानी कि मान लीजिए यदि आपने पहला, अगर आपने आज के समय में यदि बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया है कि क्या कंपनी अपने लोन की इन्वेस्टमेंट, लोन की जो पेमेंट है उसको करने में सफल होती है, देन इट इज कॉल्ड द एवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो पहला जो है इट हैज अंडरस्टैंड द प्रेजेंट रिस्क, यानी कि वर्तमान में बैंक को अगर वो कंपनी को लोन देगी तो क्या उसको कोई घाटा होगा या नहीं होगा, दिस इज फर्स्ट इज रॉन्ग। दूसरा अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि देखिए ये क्या कर रहा है कि इवेंट इमर्जिंग रिस्क, यानी कि आने वाले समय में कोई रिस्क, यानी कि जब मैंने बोला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब होगा वो प्रेजेंट में होगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, अपने आप गलत हो गया, यानी कि आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, सी ऑप्शन, आगे आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, वैसे भी सिंपल सी बात है, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जो एबिट सर्वदा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने लिखवाई दिया इसमें आपको। नेक्स्ट इज, ये बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन, लगातार चर्चा में रहा, भारत में क्या चीजें हैं जो भारत में प्राइस डिटरमाइन करती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट। वर्तमान में सरकार की हालिया नीतियों में चावल की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, क्या है? आपको यहां पर बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, आपको यह क्वेश्चन केवल लॉजिकल रीजनिंग से निकालना है। पहली चीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल सही बात है, सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है उसके आधार पर किसी भी फसल का जो कीमत है वो निर्धारित हो जाती है। पहली चीज तो ये हो गई, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गया। सेकंड, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, सरकार उस फसल का किस प्रकार से व्याख्या, ये चावल के लिए नहीं है, ये सभी खेतियों के लिए होगा। ठीक, गवर्नमेंट की ट्रेडिंग किस प्रकार की है, गवर्नमेंट में किस प्रकार से उसके अंदर व्यापार को सहूलियतें दे रही है, उसके अनुसार क्या होगा, फसल का रेट निर्धारित होगा। तीसरा, सरकार का भंडार, जैसे जैसे सरकार के भंडार बढ़ते जाएंगे कीमत क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो क्या होगी, नियंत्रण में आ जाएगी। और चौथा, कंज्यूमर सब्सिडीज, और सरकार जितनी जितनी सब्सिडी, जैसे सब्सिडी बढ़ाती जाएगी प्राइस उसी अनुसार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि ये चारों की चारों जो नीतियां हैं ये किसी भी फसल का जो मूल्य है वो निर्धारण करने में हेल्प करती है, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, और ये क्वेश्चन ना तो कहीं पे पढ़ाया जा सकता है और ना ही, ये तो केवल एक बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। सी दिस वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिडरेबली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में भारत और श्रीलंका के बीच जो व्यापार है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। यदि आपने इस बार का क्या कहते हैं उसको
इंडिया ईयरबुक 2020 पढ़ी हो तो उसमें यही स्टेटमेंट बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यानी कि जब पहला स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुख्य व्यापार है वो कपड़ों का और कपड़ों की वस्तुओं का है, टेक्सटाइल का है। ये पता ही आपको, बांग्लादेश सबसे अधिक कॉटन का उत्पादन करता है, सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है वहां पर, ठीक है ना, जूट का उत्पादन होता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो कपड़ों का व्यापार है वो शुरू से ही ज्यादा रहा है, ठीक। तो ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नंबर टू इज करेक्ट। तीसरा, भारत और नेपाल के बीच, अगर आपने पीछे पढ़ा भी हो, बहुत चर्चा में रहा कि भारत और नेपाल के बीच जो व्यापार है वो लगातार घटता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच जो व्यापार है उसमें कमी आ रही है, जिसके कारण अब जो नेपाल है हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है साउथ एशिया का, दैट इज श्रीलंका। So that is a ring. So third statement is a wrong statement. So A is the correct option. Next question. ये कि सबसे अच्छा, ये तो मैंने आपको करवाया भी था, मैंने आपको G20 मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था, मैंने आपको G20 के मेंबर बताइए आपको G8 plus 11 fastest growing economies plus उसके अलावा यूरोपियन यूनियन, ये तो मैंने आपको बताया भी हुआ है। और इसमें जो अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये जो चार है ये इसके मेंबर्स है, क्योंकि याद रखिएगा इसमें न्यूजीलैंड नहीं है, वियतनाम नहीं है, ठीक है ना। देन तो ये जो है इस प्रकार, ये रहे आपके जो है आपसे G20, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी था, मैंने आपको क्वेश्चन ये वाला G20 का 2-3 बार मैंने आपको G20 जो है वो कहा है, बिल्कुल किसमें G20 में तो इंडिया है, इंडिया इज द पार्टनर, इंडिया इज द G20 का तो सबसे बड़ा पार्टनर है इंडिया तो, ठीक है ना, यस। और आपको पता ही होगा 2022 का जो G20 है वो भारत में होना है, यस। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड मैंने आपको पिछले 2 महीने में कम से कम 3-4 बार करवाया था, और मैंने तो बताया था कि क्या क्या काम किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर क्यों सक्षम किया गया। मैंने एक बार नहीं, मैंने आपको कई बार करवाया था, है ना, यस। सी दिस क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड क्या क्या काम करता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पता ही आपको, ये क्या करता है इसका, ये वर्किंग किसानों के लिए वर्किंग कैपिटल का काम करता है, यानी कि चलित पूंजी, यानी कि वर्तमान में जो उसको पूंजी चाहिए हो वो चाहिए। पहला क्वेश्चन बयान साहब बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इससे ट्रैक्टर और इससे कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि जैसे बताया ये तो वर्तमान में काम करने के लिए होता है, इससे आप ट्रैक्टर वगैरह, मिनी ट्रक वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। तीसरा, ये जो है किसानों को अपने घरेलू उपयोग के लिए भी प्रयोग करने के लिए पैसा देता है, ये भी सही है। तीसरा, किसानों की जो फसल उग जाती है उसके लिए भी जो है वो भी जो है पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो करना पड़ता है, ठीक है ना। सो दैट, और चौथा, मकान बनाने के लिए लोन नहीं मिलता है, फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है दैट इज करेक्ट, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। सी, मैंने बताया भी था इसमें, पहला जो है चीप रेट पे, सस्ते रेट पे किसानों को जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलता है, टाइम पर जो है उनको क्रेडिट मिल जाता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग अपने जो एसेट बनाने के लिए है, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट के लिए है, कंजम्पशन के लिए है। ये सब मैं आपको पहले ही जो है वो डिटेल में बता चुका हूं, बिल्कुल सही बात है। 2 को एलिमिनेट करते ही सारा का सारा आंसर जो है आपका अपने आप निकल जाएगा, बिल्कुल, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो शायद मैंने जब मैंने इकोनॉमी पूरा पढ़ाया था अनअकैडमी वाले पार्ट में, तब वो मैंने पूरा क्लियर किया था, और मैंने आपको बताया था कि एट प्रेजेंट भारत में जितनी भी इन्फ्लेशन निकाली जाती है, मुद्रास्फीति निकाली जाती है, किस पे निकाली जाती है, केवल और केवल CPI पर निकाली जाती है। WPI का अब भारत में इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है
better the food consumer price is higher than the wholesale. Simple si baat hai, CPI ke aadhar par vartman mein investment jo hai wo nikali jati hai, yani ki one is the correct option. Two, second, WPI does not capture changes in the prices of the CPI. Does not, bilkul sahi hai, ye bhi sahi hai, theek hai na. और इसमें जो है CPI में जो है वो प्राइसेज वर्तमान प्राइसेज लेते हैं, जबकि WPI में हम क्यों मैंने बताया था जो WPI निकालते हैं वो बेस ईयर पर निकालते हैं, यानी कि जो आधार वर्ष है उसके आधार पर निकाला जाता है, ठीक है ना. सो सेकंड इज करेक्ट. और तीसरा, जब हम बात करें जब इन्फ्लेशन निकालने की बात करती है तो RBI भी इसमें क्या करता है, WPI लेता है, CPI लेता है, WPI नहीं लेता है. सो दैट इज द थर्ड इज द रॉन्ग आंसर. सो ए इज द करेक्ट, यानी कि वन एंड टू इज द करेक्ट ऑप्शन. यस, और ये तो मैंने पूरा डिटेल अभी रिसेंटली पढ़ाया था शाम को हिंदी वाले पार्ट में, और उससे जब अकेडमी में पढ़ाया था तो कमर्शियल पेपर क्या होते हैं सब डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था. कमर्शियल में पता ही है, मैंने बताया था ये शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट है क्योंकि इस पर बैंक लोन नहीं. मैं बहुत देता था, अगर आपको नोट लगाकर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा. कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज, ठीक है. और जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं दैट इज अ शॉर्ट टर्म, यानी कि ये गलत हो गया, लॉन्ग टर्म तो होता ही नहीं है इसमें. कॉल डिवाइड सीडी इज ऑलवेज एक 7 दिन से 1 साल के लिए बैंकों के लिए, और FI के लिए 1 साल से लेकर 3 साल के लिए. ये मैंने आपको करवाया भी था. तीसरा, कॉल मनी क्या है, दो बैंकों के बीच शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस है, ये भी मैंने आपको बताया था, यानी थर्ड इज करेक्ट. और जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं ये भारत सरकार, जितने भी बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो भारत सरकार जारी करती है, RBI उसकी नीलामी करवाता है जिसको बैंक खरीदते हैं, ये मैंने आपको करवाया था. सो थर्ड फोर्थ इज द रॉन्ग ऑप्शन, यानी कि 1 and 3 इज द राइट. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से आप क्वेश्चन को पेपर को करें और थोड़ा सा अगर आप डिटेल में पढ़ें चीजों को तो आपका पेपर बहुत ही सरल हो जाता है, ठीक. नाउ FDI के बारे में बताइए, FDI के मुख्य विशेषताएं क्या है. नंबर वन, इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी. यह एक सूचीबद्ध कंपनी में अनिवार्य रूप से पूंजीगत माध्यम साधन है. पहले सेट में तो अपने आप ही गलत हो गया क्योंकि FDI जरूरी तो नहीं ना है कि वो किसी लिस्टेड कंपनी में आएगी. FDI तो भारत में किसी भी सेक्टर में कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पर 100%, कहीं पर 75%, कहीं पर 35%, अलग अलग है. दूसरा, इट इज ए लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो. सिंपल सी बात है, ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में आएगी FDI ग्रोथ भारत में क्या लेके आएगी, विदेशी पूंजी लेकर आएगी, और ये क्या बनता है, ये हमारे बजट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनता है, ठीक. यानी कि भारत सरकार के पास नॉन डेट कैपिटल, मैंने जब बजट पढ़ाया था तो मैंने आपको इसमें बताया भी था ये चीज कि जो FDI का जो हिस्सा बनता है वो नॉन डेट इश्यू बनता है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे भी देख लेते हैं हम, इट इज विच इन्वॉल्व डेट सर्विस. इसका डेट सर्विस से कोई, ऋण चुकाने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना. गवर्नमेंट जरूरी थोड़ा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लाए, और FDI तो भारत में कहीं पर भी आ सकती है, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कथनों को पढ़िए. नंबर वन, इंडियाज एक्सपोर्ट मर्केंडाइज इज लेस देन द इंपोर्ट. यस, इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, भारत का जो व्यापारिक निर्वात है वो व्यापारिक आयात से कम है. यस, ये तो पहले पता ही है, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो क्या है, कम है, और इंपोर्ट क्या है, हमारे हमेशा
ज्यादा रहे हैं, या तो पता है हमारा आयात ज्यादा है निर्यात कम है, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। नंबर टू, ये मैंने आपको कुछ में पहले भी पढ़ाया था, जब मैंने आरएस पढ़ाया था, भारत विश्व में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है, नंबर दो पे आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम स्टील का बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले ही आपको ये स्टेटमेंट करने पढ़ाया था, क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। सो दैट इज द रॉन्ग, यानी कि हमारा जो इंपोर्ट है कम नहीं हुआ है, बल्कि हमारा जो इंपोर्ट है वो बड़ा है। ये मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था स्टील के ऊपर। तीसरा, इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मोर देन इंपोर्ट, यस बिल्कुल ये सही है। भारत का जो सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है और इंपोर्ट जो है वो कम है, यानी कि जब पहला और तीसरा ठीक हो गया, यानी कि डी क्या हो गया, हमारा अपने आप ही करेक्ट हो गया, ठीक, यानी कि डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मार्च का क्वेश्चन था और मई के एग्जाम में आया, ठीक है ना। वेस्ट टेक्सास इमीडिएट, व्हाट इज वेस्ट टेक्सास इमीडिएट, कैन एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज वेस्ट टेक्सास इमीडिएट? यस, यस, टेल मी, वही तो पूछ रहा हूं, व्हाट इज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट? ये सारी अखबारों की फ्रंट पेज न्यूज थी, आई थिंक मार्च की घटना है ये। इट इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, कच्चे तेल के जो प्राइस अमेरिका में नेगेटिव हो गए। अच्छा, इंपोर्ट क्यों करता है, उसके पीछे रीजन है भारत का, मैंने बताया भी था आपको कि उसका रीजन ये है कि भारत में जो स्टील की जब एट प्रेजेंट जो डिमांड है वो बहुत बहुत ज्यादा है, और बाहर हमारा जो स्टील है वो इतना हाई क्वालिटी स्टील नहीं है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अभी हमारे स्टील प्रयोग नहीं करते हैं, वो विदेश से इंपोर्ट करके जो स्टील है उसका प्रयोग करते हैं। ओके, यस, क्रूड ऑयल से जो वेस्ट टेक्सास जो प्राइसेस ऑफ द वेस्ट टेक्सास जो है दैट जो रखेगा जो वेस्ट टेक्सास इमीडिएट है, ये क्रूड ऑयल की सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। और आप पता होगा कि अमेरिका में जो पेट्रोल के जो दाम थे वो नेगेटिव चले गए थे, जो बहुत चर्चा में रहा था, जीरो मार्क के नीचे चले गए थे। नेक्स्ट, एक और बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, भारतीय अर्थव्यवस्था में के संदर्भ में गैर वित्तीय ऋण में निम्नलिखित में कौन कौन शामिल है? यस, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, सिंपल सी बात समझिए, जहां पर हम लोन तो ले रहे हो लेकिन वो किसी फाइनेंशियल अपने बिजनेस पर्पस के लिए ना ले रहे हो, उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल डेट। मान लीजिए आपने बिजनेस करने के लिए लोन दिया, इट इज ए फाइनेंशियल डेट, अपना व्यापार बनाने के लिए लोन दिया, दैट इज ए फाइनेंशियल डेट, ठीक। लेकिन मान लीजिए आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया, आपका ये फाइनेंशियल पर्पस तो नहीं है, आप अपने मकान में रहेंगे, सो दैट इज कॉल्ड अ नॉन फाइनेंशियल डेट। क्रेडिट कार्ड आप क्या करते हैं, अपने दैनिक प्रयोग के लिए यूटिलाइज करते हैं, कोई बिजनेस पर्पस, क्रेडिट कार्ड का जो प्रयोग है कोई बिजनेस पर्पस में थोड़ी ना होता है, वो तो अपने आप डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं। सो सेकेंड इज ऑल्सो द नॉन फाइनेंशियल डेट। और तीसरा, ट्रेजरी बिल क्या है, भारत का ट्रेजरी बिल क्यों जारी करती है, भारत सरकार ट्रेजरी बिल जो जारी करती है वो अपने घाटे को पूरा करने के लिए करती है, बिजनेस तो थोड़ी ना करती है, ये थोड़ी ना भारत सरकार लेके कहीं और इन्वेस्ट करेगी, सरकार अपनी कमी को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल जारी करती है, क्योंकि भारत सरकार इस पे इंटरेस्ट पेमेंट करती है। सो थर्ड इज ऑल्सो द नॉन फाइनेंशियल डेट, यानी कि तीनों का तीनों जो है ये सही है, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, और पता नहीं इस पे ज्यादातर बच्चे जिनसे मेरी बात हुई, ज्यादातर बच्चे इस पे क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, ये मैंने क्वेश्चन अनगिनत बार पढ़ाया है। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने जब भी पढ़ाया होगा मैंने डिटेल में समझाया है कि मॉनेटरी पॉलिसी को आपको देखिए, बात कर रहे हैं हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि बाजार में पैसा डालना है, यानी कि आरबीआई बाजार में पैसे को फ्लो करवाना चाहता है। और जब आरबीआई बाजार में मनी को फ्लो करवाना चाहेगा तो क्या करेगा, एसएलआर को क्या कर देगा, वो कम करेगा। जैसे ही एसएलआर को कम किया गया, यानी बैंकों के पास मार्केट में लगाने के लिए क्या हो गया, पैसा अधिक हो गया। यही अभी आरबीआई ने किया भी है, एसएलआर को 19% घटाकर 18% कर दिया। ठीक सर, आरबीआई ने क्या किया, एमएसएफ को घटा दिया, बढ़ा दिया। एमएसएफ को अगर बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, रेट बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसे की कमी होगी या ज्यादा होगा, पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा, लोग कम लेंगे पैसा, तो हो नहीं सकता। यानी कि जब पहला ठीक हो गया तो तीसरा क्या होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कट रेट। आरबीआई क्या करता है, अपने बैंक रेट और रेपो रेट में क्या करता है, कमी कर देता है। जैसे ही आरबीआई अपने बैंक रेट में और रेपो रेट में कमी करेगा, यानी कि क्या हो गया, उसने बैंकों को बोला कि आप मेरे से पैसा लीजिए, सस्ती दरों पर लीजिए, और आपको जो है मैं पैसा मार्केट में डाल के दूंगा। यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ए भी ठीक है, सी भी, तीन भी ठीक है, यानी कि सी क्या हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, एक और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, यानी कि अगर आप चीजों को डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को ध्यान में रख रहे हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सी, उसने बोला 1991 के बाद जो भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए हैं। नंबर एक, वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन द अर्बन एरियाज वाइल डिक्रीज इन द रूरल एरिया। ये बिल्कुल गलत, अभी बीच में आया भी था कि भारत में जो रूरल सेक्टर की जो वर्कर्स प्रोडक्टिविटी है, श्रमिक उत्पादकता है, प्रति व्यक्ति श्रमिक उत्पादकता है, वो गांवों में बढ़ी है, शहरों में नहीं बढ़ी है। ठीक, दैट इज द वन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा, द परसेंटेज शेयर रूरल एरिया वर्क स्टिल, दूसरा बिल्कुल गलत है। जो वर्क फोर्स है वो क्या हुआ है, वो शहरों में, जो पहला जो है, सॉरी पहला जो है वो गलत है, क्योंकि पहले में क्या है, दैट इज द जो प्रोडक्टिविटी है वो अर्बन एरियाज में, उल्टा बोल दिया मैंने, रूरल एरियाज में बड़ी है, अर्बन एरियाज में नहीं है, दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। दूसरा, जो रूरल एरियाज है वहां पर क्या हुआ है, वहां पर वर्कफोर्स कम हुआ है, लोग शहरों की तरफ आए हैं, लेकिन जो शहरों की तरफ आए हैं, जो गांवों में जो जनसंख्या घनत्व है वो कम हुआ है, जिससे वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी है। तीसरा, रूरल एरिया में, अब ये तो इस बार का जो बजट आया था इकोनॉमिक्स, बहुत उसमें ये लाइन क्लियरली मेंशन थी, भारत में आप जो रूरल सेक्टर है वहां पर नॉन फार्म इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। सो थर्ड इज द करेक्ट लाइन स्टेटमेंट, और ग्रोथ रेट इन द रूरल एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज, ये हमने अभी पढ़ा भी था, अभी ये तो अभी रिसेंटली आया कि चूंकि गांवों में रोजगार कम हुए हैं, जिस कारण से गांवों से शहर की तरफ पलायन हुआ है। ठीक, और चूंकि अब जब COVID-19 आया तो हमने देखा कि गांवों से किस प्रकार, शहर से किस प्रकार से गांवों की तरफ पलायन हुआ, लेकिन चूंकि वहां पर रोजगार की कमी है, इस कारण से वापस गांवों से शहरों की तरफ पलायन स्टार्ट हो गया है। सो इसमें जो है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। पब्लिक की है, की क्या होगी, सिक्योरिटी रिलेटेड होगी, और ये जो है रिलेटेड है डिजिटल सिक्योरिटी से, जिसको आप बोलते हैं
जो डिजी लॉकर्स है, डिजी लॉकर में दो की होती है, एक पब्लिक की जो बैंक की होती है जिसको बोलते हैं मास्टर की, और एक होती है इंडिविजुअल की जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट की। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लीजिए वर्तमान में अगर विश्व में वित्तीय संकट आ जाए, आर्थिक संकट आ जाए, तब क्या होगा भारत में? क्या भारत के पास इस समय क्या प्रतिरक्षा उपलब्ध है, यानी कि जो भारत है वहां पर क्या क्या चीजें जो है वो उपलब्ध है? यस, पहला, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी कि भारत एट प्रेजेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कम ले रहे हैं। आप देखा होगा जितने भी लोन हैं वो 50, 60, 70 साल के हैं, यानी कि मान लीजिए अगर रिसेंट समय में अगर कहीं पर कि अगर आर्थिक संकट आया भी सही, तो भारत के पास चूंकि लंबे सब छोटी अवधि के लोन कम है, उसको चुकाने में भारत फेल नहीं होगा, जिस कारण से पहला जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा, अगर मान लीजिए हमारे देश में ज्यादा विदेशी बैंक खुल जाएंगे तो उससे क्या होगा? अगर मान लीजिए वित्तीय संकट, विश्व वित्तीय संकट आएगा तो क्या होगा? सभी बैंकों में आएगा, विदेशों के बैंकों में भी आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, उन बैंकों की हालत क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए सेफ नहीं होगा। तीसरा, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, और मान लीजिए हम अपनी मुद्रा को फुल कन्वर्जन की परमिशन दे दें, यानी कि हमारा जो रुपया है वो फुल्ली कन्वर्टेबल हो जाए, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कहीं विश्व में कहीं वित्तीय संकट आएगा तो उस देश का पैसा क्या होगा, हमारे देश से निकलकर चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे को नुकसान होगा, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल, ये मैंने आपको अनगिनत बार करवाया है, और 3 दिन पहले ही मैंने आपको जब शाम को इकोनॉमी पढ़ाया था, मैंने जब हमने उसमें डिमांड डिपॉजिट की बात की, मैंने पढ़ाया भी था मैंने उसको, जब मैंने M0, M1, M2, M3, M4 पढ़ाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है वो पैसा जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर मान लीजिए मैंने सेविंग से पैसा निकालकर अपनी जेब में रख लिया, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, यानी कि ये जो होगा लीव इट अनचेंज, यानी कि मान लीजिए यदि मैंने अगर मैं एफडी से निकालूंगा तो ये इफेक्ट डालेगा, क्योंकि तब मार्केट में मनी फ्लो हो जाएगा, लेकिन चूंकि डिमांड डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा मार्केट में चलता हुआ पैसा ही माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं M1, M1 इज, मैंने बताया था M1 इज अमाउंट इन डिमांड डिपॉजिट बट करेंसी इन कैश विद द पीपल, दोनों चीजें हैं। अब चूंकि मेरे पास पैसा अवेलेबल है, डिमांड डिपॉजिट भी मेरे पास पैसा अवेलेबल माना जाएगा, और जो अगर मैंने उसको निकाल लिया तो ही मेरे पास पैसा माना जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मार्केट में मनी का फ्लो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मनी जिस प्रकार से है उसी प्रकार से बाजार में चलाए माने, ये नहीं है जाते बच्चे क्या करा है इसमें कि 1,00,000 रुपए निकाला है तो क्या हो जाएगा, 1,00,000 रुपए से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा थोड़ी ना कोई इसमें, कोई कैसे बढ़ सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगातार चर्चा में है, और मैंने इसके बारे में बताया भी था, ब्लॉकचेन का मतलब होता है ये पब्लिक लेजर है जिसको कोई भी देख सकता है, ठीक है, और लेकिन इसको कंट्रोल कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। सो वन इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा, क्रिप्ट, अभी याद रखिएगा हमारे यहां पर जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी है वो क्रिप्टो, हमारे यहां पर क्रिप्टो का यूज ही नहीं होता है, तो ये तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, नहीं, ब्लॉकचेन का मतलब ही यही है कि यहां पर बिना आपकी परमिशन के आपका कोई खाते का प्रयोग कर ही नहीं सकता है। सो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडीज, अगर जो बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन क्लासेस ली है तो मैंने उसमें डिटेल में पढ़ाया था हुंडीज के बारे में। हुंडीज होते हैं ये एक प्रकार से पुराने जमाने में जिस प्रकार से अब चेक लिखे जाते हैं, पुराने जमाने में इसी प्रकार से हुंडीज लिखी जाती थी।
चेक किसी भाषा में लिखा जा सकते हैं। हुंडी इसकी खासियत होती है ये केवल लोकल लैंग्वेज में व्यापार का साधन है, ठीक है। इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिस प्रकार से वर्तमान में हम चेक्स को बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में प्रयोग करते हैं, पुराने जमाने में बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में हुंडीज का प्रयोग किया जाता था। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, गोल्ड ट्रेंच, ये तो मैंने कई बार आपको क्वेश्चन करवाया है, जब मैं आपको करेंसी पढ़ाया था तब, जब मैंने आपको IMF पढ़ाया था तब। गोल्ड ट्रेंच का मतलब ये होता है RBI अपना रिजर्व जो, या कोई एक देश अपना रिजर्व जो IMF के पास रखता है, उसके आधार पर उसकी SDR स्पेशल ड्राइंग राइट निकाली जाती है। दैट इज कॉल्ड द गोल्ड ट्रेंच, दैट इज ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाई IMF टू इट्स मेंबर। ये तो मैंने बहुत क्लियरली, मैंने कई बार पढ़ाया है मैंने तो आपको, ये तो IMF के ऊपर क्वेश्चन था ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPLAD लगातार चर्चा में रहा, और खासकर जब इस पे, तो ये तो मैंने ये भी कई बार मैंने क्वेश्चन करवाया है, और उसमें तो मैंने आपको एक एक पॉइंट मैंने लिखवाया भी था, मैंने आपको कई 10-12 पॉइंट मैंने लिखवाए थे इसके अंतर्गत, जिसमें पहला था मैंने लिखवाया था कि ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर MPLAD मस्ट बी यूज फॉर क्रिएट ड्यूरेबल एसेट। ये मैंने बताया था कि MPLAD का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि इससे एक कोई टिकाऊ संपत्ति बनाई जाएगी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या कुछ भी हो, स्कूल हो, कहीं पर भी इसको जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। नंबर टू, बेनिफिट फॉर, और इसमें जो बताइए आपको, अगर आम बात करें MPLAD की, तो इसमें 7.5% जो फंड है वो, कम से कम 7.5% जो फंड है वो SC ST के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नंबर तीन, ये तो बिल्कुल गलत है, और बताइए कि इसमें जो बचा हुआ पैसा है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसके अलावा, और ये तो पता भी होगा, अभी CAG की रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए किसी 2019 में जैसे इलेक्शंस हुए, मान लीजिए किसी जिले का जो MP है वो बदल गया, इसका मतलब नहीं है कि वो पुराना वाला फंड बेकार हो गया। मान लीजिए कहीं पर पहले कांग्रेस का MP था, अब BJP का MP बन गया, तो पुराना जो कांग्रेस के MP का जो बचा हुआ पैसा होगा वो BJP का MP प्रयोग कर सकता है, उसको ट्रांसफर हो जाएगा। और CAG का ये रिपोर्ट था कि ये जो पैसा है, अभी बहुत सारा पैसा जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ट्रांसफर ही नहीं हुआ है अगले साल में। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। तो MPLAD जो है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है, इवन अगले MP को भी कैरीड फॉरवर्ड होता है। सो दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन सॉरी, और इसमें और डिस्ट्रिक्ट मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट दैट टाइम, नहीं यार, रखिएगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इसको चेक करने का अधिकार नहीं रखती है, वो डाटा कलेक्ट करती है। डाटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की है, जिला प्राधिकरण की सारी जिम्मेदारी है कि MPLAD में जो भी खर्चा हो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करे, उसकी डिटेल मेंटेन करे, लेकिन इंस्पेक्शन करने की जिम्मेदारी ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की नहीं हो सकती, ठीक। इसको CAG इसकी जांच करती है, CAG इसकी जांच करता है, और ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन। जब बजट आता है तो बजट के साथ और क्या प्रस्तुत किया जाता है, या कहेगा बजट जब भी आता है उसके साथ FRBM प्रेजेंट किया जाता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, क्योंकि FRBM एक्ट जो है, दैट इज, ये बताता है कि भारत का जो वर्तमान का जो वित्तीय घाटा है वो कितना है, और सरकार क्या कदम उठाएगी उसको कम करने के लिए। जैसे पता होगा, अब FRBM एक्ट जो आया था वो 2003 में आया था, और अभी पिछले साल 2018 में FRBM एक्ट को अमेंडमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, दैट इज आपका जो था, जो हमारे वित्तीय आयोग के अध्यक्ष भी हैं NK नंद किशोर, जो है मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा है,
उनकी अध्यक्षता में जो है वे कमेटी बनाई गई थी जिसने बताया कि किस प्रकार से जो FRBM एक्ट है उसमें क्या क्या संशोधन किया जाना चाहिए, किस प्रकार से इसमें जो घाटा है उसको कम किया जाना चाहिए, इस सब के ऊपर जो था डिटेल में जो था उन्होंने मेंशन किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इंडियन देखिए बहुत चर्चा में रहा था डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योंकि यहां पर जो इंडियन ग्रेट इंडियन बास्टर्ड थे इनके ऊपर जो था काफी चर्चा रही थी, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके अंतर्गत जो था देखिएगा जो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है ये दो राजस्थान में है और थार में दो राज्य बाड़मेर और जैसलमेर दो राज्यों में बटा हुआ है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है क्योंकि यहां पर ह्यूमन हैबिटेट भी पाई जाती है और तीसरा नेचुरल यहां पर वन ऑफ द हैबिटेट जो है दैट इज ग्रेन बस्टर्ड। सो इसमें पहला और तीसरा जो है ठीक है, सो सी इज द करेक्ट, सी दिस वन। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जो जैसलमेर और बाड़मेर से बताया, और यहां पर ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, चिंकारा, खेजरी, रोहिदा ये सब जो है वहां पर अवेलेबल है और पाए जाते हैं, ठीक है ना, और यहां पर जो जनजातियां हैं वो भी यहां पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन, पूरा का पूरा लॉजिकल क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया रिकंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भारत में दालों के उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। नंबर एक, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टीवेटेड एज बोथ रवी एंड खरीफ, बिल्कुल सही है, जो काला चना है वो रवी और खरीफ दोनों प्रकार से इसका उत्पादन किया जा सकता है, यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द, ये तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है, भारत में सबसे अधिक कोई ग्रीन ग्राम का उत्पादन थोड़े ना होता है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, अपने आप ही गलत हो गया। यानी कि अब तीसरे में आते हैं, पिछले 3 सालों में भारत में जो प्रोडक्शन ऑफ खरीफ है वो तेजी से बढ़ी है जबकि रबी की जो है वो कम हुई है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, जब आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो यानी कि सिंपल सा अर्थ है आपके पास जो है केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ये आपको आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल के जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो मैं कल आगे लेकर आऊंगा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से स्टडी करनी है, कितना डीप जाकर हमको पढ़ना है और केवल करंट पर पूरी नजर रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक। और एक एक टॉपिक को, और जिसने बताया एक और क्वेश्चन था इसमें बताऊंगा मैं आपको रह गया वो, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के पूरा क्वेश्चन था एक, है ना, क्योंकि क्यों था, क्योंकि सियाचिन लगातार चर्चा में रहा, प्लस इसके अलावा अभी सियाचिन में जो है बहुत अधिक वहां पर जो था वो कचरा फैल गया था और आर्मी ने वहां पर पूरा एक अपना कैंपेन चलाया था और वहां से कई टन कचरा जो है वहां से बाहर निकाला, आर्मी का एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, आपको चीजों को ध्यान में रखना है कि क्या चीज किस प्रकार से है, तो दैट इफ यू थिंक ऑल द थिंग्स, अगर आप इस ध्यान में रखते हैं तो यानी कि आपको कुछ भी चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक। और साइंस टेक के देखिए 15 क्वेश्चन साइंस टेक से थे कल, ठीक है ना, तो देखिए जिस चीज पर भाषाकार फोकस करती है उसके में क्वेश्चन लगातार आते हैं। चलिए आज इतना रखते हैं, कल से हम अपना प्रॉपर सेशन स्टार्ट करेंगे और 2021 के लिए हम बिल्कुल ढंग से पूरी तैयारी करते हुए चलेंगे ताकि 2021 का जो एग्जाम है वो हमारे से किसी भी हालत में छूटे नहीं। थैंक यू वेरी मच टुडेज क्लास, वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग एट 10 o'clock। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस टाइम, थैंक यू वेरी, यस। इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी, आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। थैंक यू वेरी मच, एंड जिनका पेपर था आई विल होप कि आप सबका जो प्री है वो क्लियर हो और आप जो है वो मेंस की आगे तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।